ये देखिए दांतों से सापी को बांधा है और उसके बाद उसके बाद ये देखिए ये मैं कहूँगा कैमरा दिखाए नीचे से से कि, कि किस तरीके मोटरसाइकिल को दांतों से उठा दिया गया है कोई हाथों की सपोर्ट नहीं है सिर्फ और सिर्फ दांतों से मोटरसाइकिल को उठाया गया है अरसद भाई के द्वारा ये सीधा कैमरे में आपको इन्होंने उठाकर दिखाया इसलिए हम मेवात का ही एक युवक है जो की अपने दांतों से मोटरसाइकिल को उठा देता है दोस्तों मेवात इलाके में टैलेंट की कमी नहीं है इस बात को आप भली भांति जानते हैं और आज एक टैलेंट हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे दरअसल टैलेंट ऐसा वैसा नहीं दरअसल मेवात का ही एक युवक है जो कि अपने दांतों से मोटरसाइकिल को उठा देता है जी हाँ अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मोटरसाइकिल को दांतों से कैसे उठाया जाता है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आपके कैमरे के सामने उस युवक से उस मोटरसाइकिल को दांतों से उठवाने की कोशिश भी करेंगे दरअसल बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे जिनमें लोग अपने हाथों से मोटरसाइकिल को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज मेवात का एक युवक ऐसा है जो कि अपने दांतों से मोटरसाइकिल को उठाकर दिखाएगा दरअसल इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और ऐसे लोगों से सीख भी लेनी चाहिए कहीं ना कहीं मेो टैलेंट जो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है वो आज हम आपको खुद अपनी वीडियो में दिखाएंगे हमारे साथ हैं अरसद जो कि मेवात के ही रहने वाले हैं और इनसे जानेंगे बात करेंगे कि आखिरकार कैसे ये अपने दांतों से मोटरसाइकिल को उठा देते हैं अरसद भाई कितनी उम्र है आपकी मेरे अड़तीस साल, साल की उम्र भाई अड़तीस साल की उम्र है इतना खतरनाक स्टेंट आप करते हैं इतना खतरनाक आप टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा भी डर नहीं है कि दांत दाँत टूट जाएंगे ना मजबूत दांत जमींदार आदमी कमजोर ना रहे अच्छा आ, तो ये दांतों का मामला तो बड़ा नाजुक होता है भाई ना इतने कमजोर ना है अल्लाह का शुक्र है मजबूत दांत है अल्लाह भरोसा भी है अच्छा ने जब कुछ दियो है तो करने की कुछ कोशिश करनी चाहिए अच्छा ये बताइए सबसे पहले आप हमें मोटरसाइकिल उठाकर दिखाइए दाँतों से फिर हम आपसे बात करेंगे एक बार, दिखाएंगे, एक बार हाँ, और। बिल्कुल उठा देंगे उठाइए और... फिर हम आपसे दोबारा और आगे की बात करेंगे एक बार दिखाइए उठाकर उठा उठाइए <laughs> ये हमारे मेवात का बिल्कुल देसी ठाट <laughs> है और देसी मेवाती टैलेंट <laughs> है <laughs> उठाइए एक बार दोबारा करिए करिए कोशिश करिए हम आपसे एक बार नहीं कई कई बार उठाने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार लग गया हो देखिए ये मोटरसाइकिल का कैरियर है और इस कैरियल के पीछे लोगों ने अपनी साफी बांधी है एक बार आगे से पकड़ लेना जिससे गिरे ना ये देखिए दांतों से साफी को बांधा है और उसके बाद उसके बाद ये देखिए ये मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाई नीचे से कि किस तरीके से मोटरसाइकिल को दांतों से उठा दिया गया है कोई हाथों की सपोर्ट नहीं है सिर्फ और सिर्फ दांतों से मोटरसाइकिल को उठाया गया है अरसद भाई के द्वारा ये सीधा कैमरे में आपको इन्होंने उठाकर दिखाया इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि एडिटिंग का कोई कमाल हो अच्छा अरसद भाई ये बताइए कि सबसे पहले आपने मोटरसाइकिल उठाई कैसे और क्यों उठाई पचास आदमी में बहसोरी सन दो में अच्छा के भाई मोटरसाइकिल कोई उठा देगा दो हाँ। भाई 2005 की बात भाई उठा देंगे हाँ। कोशिश करी आदमी अच्छा, कंपटीशन क्या सौ पचास हाँ। भाई अल्लाह उठा दी अच्छा अब चलती रही बात चलती रही तो कोई बात ना उठा के फारिग होगा कल की बात कहने लगे भाई ऐसे तो उठ ही ना सके हाँ। हमने कही हम उठा के दिखाएंगे आपके दांतों में है फिर कल उठा दी भाई ठीक अब कह उठी ना सके भाई यार अब कोई उम्र कोई थोड़ी हुई है हमारी फिर उठा देंगे बीस साल पहले उठा दी हमने सोरी अंडा उंडा पे शर्त नहीं लगाई थी ना कुछ शरत ना अच्छा जवान की बा, वो सही शरत हाँ। वरत को कोई बात ना हमारी अच्छा जबान की बात जबान की बात हाँ, तो उठा दिया ओ। तो बिल्कुल लगा मतलब दो हजार पाँच उस वक्त आप बिल्कुल यंग होंगे और आप तो उमर का पड़ा थोड़ा पड़ाव भी है तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा दागत टूट जाएंगे ना 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 भरोसा हमने अपना पूरा भरोसा है पूरा भरोसा तो तो में और बहुत सारे टैलेंट होंगे हाँ बिल्कुल बहुत सारे टैलेंट हैं अच्छा ये, ये बताइए कि जब एक चली बात है तो ऐसे जो टैलेंट है वो मेवात के लोगों को दिखाने चाहिए नहीं दिखाने चाहिए ना दिखाने चाहिए पर हमारे टैलेंटन पूछ कौन रहो अच्छा हाँ। मत कदर नहीं टैलेंट न हमारे टैलेंट कोई कदर ना है मेवाद में बेचारा एक सौ एक चढ़ती टैलेंट है तो अनपढ़ इंजीनियर रहे हैं मेवात में तो हाँ कैसे इंजीनियर अनपढ़ इंजीनियर से कुछ भी बनवा ले अच्छा जी हाँ। सब बना देते हैं है अनपढ़ इंजीनियर लेकिन जब बताओगे जब दिखाओगे तब तो पता लगेगा लोगों को चल ठीक है आप जैसे पत्रकार आ जाओ अब आपने मैं ढूंढ लियो लिया कोई आ है, तो भाई पतो लग जाने कोई ना पता लगे तो पढ़ी मेरे बात में तो बड़े बड़े टैलेंट है कितनी उम्र बताई आपने अड़तीस साल अड़तीस कितने हो गए पांच बड़ा पाँच बच्चे देखिये ये है अरसद भाई जो की बता रहे हैं कि अड़तीस साल की उम्र में भी ये उसी तरीके से मोटरसाइकिल को दांतों से उठा देते हैं जैसे साल 2005 में ये में उठाया करते थे तकरीबन 17 साल के आसपास 17-18 साल हो गए है ना 17-18 साल हो गए सत्रह अठारह सालों में आपकी दांतों की मजबूती अभी भी कम नहीं हुई है, है। सत्रह अठारह साल बाद भी ऐसे रहेंगे अच्छा? कोई दिक्कत ना चलिए देखिए बड़े बिंदास व्यक्ति हैं और बात करके इनसे अच्छा लगा और हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि मेवात का कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो दांतों से मोटरसाइकिल को उठा ले वैसे कितना वजन होगा इसमें मोटरसाइकिल में है दांतों से उठा लेते हैं और इतना हुनर रखते हैं कि अगर कितनी ही बार ये इनके दांतों से उठवाई जाए तो ये आसानी से उठा सकते हैं हमने पहले गाड़ी से उतरने के बाद दो बार इनसे मोटरसाइकिल उठाने की कोशिश की शायद ये थक जाएंगे और हार जाएंगे उसके बाद ये कैमरे पर मोटरसाइकिल नहीं उठाएंगे लेकिन के जज्बे को सलाम है कि ये बार बार जब मोटरसाइकिल हम लोग उठवा रहे थे तो ये बड़े ही बिंदास तरीके से मोटरसाइकिल को उठाने की कोशिश कर रहे थे खैर अगर आपके अंदर भी है ऐसा टैलेंट अगर आपके अंदर भी छुपा हुआ है ऐसा कोई हुनर तो आइए मीडिया के सामने और बताइए हम आपको दिखाएंगे पूरे मेवाद के लोगों को कि हमारे मेवाद में टैलेंट की कमी नहीं है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के बारे में जरूर रखिएगा